रात में दुनिया बदल जाती है। अब इस गांव को लीजिए, परोख नाम के इस गांव को, जो कि दिल्ली कानपुर हाईवे से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कल तक कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज गाड़ियों की चिल्लपों लगी हुई है, अधिकारी चक्कर लगा रहे हैं। वजह ये कि ये रामनाथ कोविंद का गांव है, जो अगले कुछ दिनों में इस देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक बार जा रहे थे लड़के, 10-15 लोग जाते थे मिलकर। एक लड़के ने खेत में गन्ना तो तोड़ लिया किसान का, वो आ गया, रामनाथ जी पीछे थे, वहाँ से उन्होंने मना किया है गन्ना तोड़ना, गन्ना न तोड़ना, लेकिन वो माने नहीं, तोड़ लिया। खेत वाला आ गया तो गन्ना लौट लाया, उससे माफ़ी मंगवाई और ये कहा भविष्य मेरे साथ आना नहीं। रात के जो थोड़े हम अपने बाग में जा कर के दोनों जने आम बीना करते थे और जो मीठे मीठे थे हम दोनों खाते थे। जब बन गए थे गवर्नर तब आए थे, तब हमारी उनकी बातचीत हुई थी। जब उन्होंने कहा तब आम ही की बात चली, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आप आइए, हमारे यहाँ 36 प्रकार के आम हैं। डंडा मास्टरनक पास डंडा था हरा, मास्टरनक पास तब हरा डंडा था, थप्पड़ नहीं, हरा डंडा था। क्या करते थे? मारते थे। पर मार कौन खाता था और मार कौन नहीं खाता था? हम लोग जो दो चार लड़के थे वो खाते मार। ये प्राइमरी स्कूल था, कक्षा 1-5। तो यहाँ तो ये तो तबेला नजर आ रहा है। हाँ, पहले कमरा एक बना था कच्चा और यहीं हम लोग बैठ के रामनाथ जी, हम सब लोग इसी जगह क्लासेस लगते थे चारों तरफ, और 3 टीचर मात्र थे हम लोग पढ़ते। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। शुरुआती पढ़ाई इस गांव में करने के बाद रामनाथ कोविंद पढ़ने के लिए कानपुर चले गए और उनका परिवार यहां से 20-25 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव झिंझक में चला गया बिजनेस करने के लिए। तो हमने सोचा कि जब बचपन के दोस्तों से बात हो ही गई है तो क्यों ना परिवार वालों से भी बात की जाए। जिस समय चाचा जी का हमारे कोई भी चीज दिखाते, किसी से मिल रहे हैं या कुछ भी उनके उनकी टॉपिक पे आता है, तो हम लोग सारे फैमिली मेंबर्स फिर वहीं आगे बैठ जाते हैं। कोई भी मोमेंट उनका ना मिस नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरह का। जो किस्सा सुनाएंगे बचपना को, तो आप लोग तो बहुत हंसोगे और आप भी होगे सब जने कहोगे कि भाभी हमारी ये भी सुना दी। कड़ी और बेसन और खस्ता या ज्वाइन वाले उन्हें बड़े पसंद थे, तो वे कहते थे भाभी वही बनाइए, तो वे पसंद से खाते थे। और डाढ़ी की कड़ी बनाते थे तो डाढ़ी निकाल निकाल के खाते थे। जैसे चाचा मेरे राय वो राज्यसभा के सांसद थे, तब तो उन्हीं के यहाँ अधिकतर रहते थे। मार्केट वार्केट ले जाते थे। हाँ, तो सबसे अच्छा गिफ्ट गिफ्ट कौन सा है जो याद है आपके? गिफ्ट तो अब जब मेरी उम्र भी कम थी तो जैसे कपड़े दिला देते थे रबड़ बैंड, वैसे चाची मेरी खुद दिलाती थी, खाने को गोलगप्पे खिला दिए, चाट खिलाए, तो आइसक्रीम खिलाई, उसी में खूब खुश होते थे।